नमस्कार, दिन प्रभात सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार में सियासी उठापटक जारी। स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 विधायक। कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके सुकुमार की रंग लाई मेहनत। बागी विधायक एमटीबी नागराज ने अलग न होने का दिया आश्वासन। नागराज बोले, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि देना पड़ा था इस्तीफा, अब इस्तीफा लेंगे वापस। आखिर मैंने कांग्रेस में बिताए हैं कई दशक। होटल में ठहरे विधायकों के साथ कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने की बैठक। येदुरप्पा बोले, हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए विधायकों में से 4 को बनाया मंत्री। मायावती ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पुलिस भी हो रही है भीड़ की हिंसा का शिकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मॉब लिंचिंग पर जताई चिंता, छोटे शहरों और गांव में है खौफ का माहौल। कारगिल लड़ाई के 20 साल पूरे होने पर बोले सेना प्रमुख बिपिन रावत, का दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है भारतीय सेना। कर्नाटक संकट के बीच भाजपा नेताओं ने किया बड़ा दावा, काम मुश्किल में कांग्रेस की राजस्थान सरकार। भाजपा नेताओं के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, का कभी पूरा नहीं होने वाला सपना देख रही भाजपा। हरियाणा के इनेलो नेता गोपी चंद गहलोत भाजपा में हुए शामिल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गहलोत का किया स्वागत। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा सरकार के लोग ही तार तार करने में लगे हैं महिलाओं की इज्जत। अखिलेश बोले, एटा में महिला से 2 पुलिसकर्मियों ने किया दुष्कर्म, डर के मारे महिला परिवार के साथ गांव छोड़कर भागी। मुलायम अखिलेश से जुड़े संपत्ति से अधिक मामले में आया नया मोड़, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा हमारे पास सीबीआई की रिपोर्ट नहीं। चीफ जस्टिस गोगोई की बेंच ने सुनवाई के दौरान जताई हैरानी, कहा आखिर सीबीआई ने किसे दी थी जांच बंद करने की जानकारी। यूपी सरकार 23 जुलाई को विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 200 अरब का है अनुमानित बजट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बेंचों की संख्या बढ़ाने का लिया फैसला, दर्शक दीर्घा में बैठकर अब ज्यादा लोग देख सकेंगे सदन की कार्रवाई। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, का दस्तावेज में देरी के लिए एंटीगुआ में आए तूफान को ठहराया जिम्मेदार। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का होगा कायाकल्प, 300 मीटर दूर से ही कर सकेंगे मंदिर के दर्शन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, मास्टर प्लान के तहत होंगे निर्माण कार्य, धाम के लिए केंद्र सरकार ने 48 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूर। 7वें इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन का दिल्ली में हुआ आयोजन, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। गैरसैंण जमीन खरीद पर रोक हटाने से उत्तराखंड में गरमाई सियासत, कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का फूंका पुतला। अंशुलता कांत बनी विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ, वर्तमान में एसबीआई में एमडी के पद पर हैं तैनात। एबीवीपी ने रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में दर्ज की जीत, 8 में से 6 सीटों पर लहराया परचम। नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने लोगों से की अपील, बोले भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर देश के पुनर्निर्माण में बने भागीदार। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत चीमा ने खालिस्तान पर दिया बयान, बोले पंजाब के किसी भी व्यक्ति के लिए खालिस्तान नहीं है कोई मुद्दा। चीमा ने खालिस्तान की मांग करने वालों को बताया भारत विरोधी, बोले आईएसआई की मदद से दूसरे देशों में बैठे लोग उठा रहे मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला, बीजेपी सरकार नागरिकों की निजता पर पहुंचा रही है गंभीर आघात। सुरजेवाला ने ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा निजी कंपनियों को बेचने का लगाया आरोप, बोले व्यावसायिक फायदों के लिए इसका कर सकते हैं दुरुपयोग। दिल्ली में क्रिकेटर सहवाग की पत्नी के साथ हुई धोखाधड़ी, नाम और दस्तखत का गलत इस्तेमाल कर बिजनेस पार्टनर ने लिया 4.5 करोड़ का लोन। भाजपा कोर कमेटी की बैठक के लिए रांची पहुंचे जेपी नड्डा, झारखंड भाजपा प्रदेश कमेटी ने रांची एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, सदस्यता अभियान, चुनाव तैयारी और प्रत्याशियों को लेकर की चर्चा। रघुवर दास ने रतन टाटा से आयुष्मान भारत योजना को लेकर की चर्चा, झारखंड में टाटा के 3 अस्पतालों को योजना के तहत सूचीबद्ध करने की दी सलाह। दाहोद में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, रेलवे का निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा लागू करने को लेकर जताया आक्रोश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में रीवा ने किया टॉप, लिंगानुपात सुधार पर सीएम भूपेश बघेल ने जताई खुशी। बीजेपी विधायक की बेटी अदालत में कर सकती है पंजीकृत शादी, 15 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी पेश। बीजेपी विधायक की बेटी की शादी में आया नया मोड़, युवक अजितेश की पहले भी हो चुकी है सगाई। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा बोले, जाति का कभी नहीं किया विरोध, अजितेश मेरे घर पर खाता था खाना। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद का दिखा असर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोकी गई अमरनाथ यात्रा। भारी बारिश से देशभर में मचा हाहाकार, कई जगहों पर 24 घंटे होगी वर्षा, पड़ सकता है बाढ़ का कहर।
लक्ष्मण झूला सेतु बंद होने पर अमिताभ बच्चन ने शेयर की फोटो, कई फिल्मों की हो चुकी है शूटिंग। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में चला स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी के साथ मंत्रियों, सांसदों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई झाड़ू। मैनपुरी कांड का 50,000 रुपए का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश लालू यादव और सिपाही करतार सिंह को लगी गोली। सासाराम में एसपी जैन कॉलेज में बीसीए छात्र छात्राओं ने की तालाबंदी, पठन पाठन के अलावा विभिन्न कार्य हो गए ठप। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया आरोप, कॉमर्स संकाय में नामांकन के बाद भी नहीं हो रहा है छात्रों का रजिस्ट्रेशन। वेटलिफ्टर अजय सिंह ने कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड के साथ जीता सोना, भारत की झोली में आए 2 स्वर्ण सहित 4 पदक। युवराज के पिता योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी पर उठाए सवाल, न्यूजीलैंड से मिली हार के लिए माही को ठहराया जिम्मेदार। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जेम्स नीसम ने की भारतीय फैंस से अपील, का फाइनल मैच के टिकट की ना करें कालाबाजारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान का दावा, का क्रिकेट से संन्यास के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं धोनी। रिटायरमेंट के विवाद में डिविलियर्स के समर्थन में आए विराट कोहली, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान को बताया ईमानदार और प्रतिबद्ध। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।